हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूँ आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटर कप आने जा रहा हूँ ड्रैगन बॉल से गोकू वर्सेस इंडियन सुपर उसके बीच में। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई वीडियो में एंड तक तो जरूर बने रहना। सुनाओ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे एक गुजारिश रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, और बेल आइकन जो दिख रहा है उसको भी ऑल पे सिलेक्ट करके प्रेस कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है क्रिश वर्सेस गोकू के बीच में। अब यार देखो, क्रिश के पास कई सारी सुपर पावर्स है और क्रिश 3 मूवी में उसकी पावर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। क्रिश 3 मूवी में उसे फ्लाइंग की पावर भी मिल गई है एंड उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी हो चुकी है। वो मार्क 1 से लेकर मार्क 2 या 5 तक आराम से जा सकता है, या फिर इससे ऊपर भी जा सकता है, शायद मार्क 7। बट उसके जो डिसएडवांटेज है क्रिश की, वो है उसकी हीलिंग पावर, यानी कि उसकी हीलिंग फैक्टर इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, वो इतना ज़्यादा जल्दी हील नहीं करता। बट उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। बट यार अगर क्रिश भिड़ता है गोकू के साथ, मतलब यार गोकू अपने बेसिक फॉर्म में ही उसे नॉकडाउन कर देगा। वहीं सेम केस होगा फ्लाइंग जेट के साथ में। अब फ्लाइंग जेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगी फ्लाइंग जेट को, बट यार देखो गोकू के सामने फ्लाइंग जेट टिक ही नहीं पाएगा इन शॉर्ट। वहीं अगर बात की जाए गोकू वर्सेज जीवन की, तो यार देखो जो जीवन है अगर वो भिड़ेगा गोकू के साथ में, तो ऐसे में जीवन के पास यहाँ पर एक एडवांटेज रहेगी कि गोकू चाहे कितना भी डैमेज कर दे जीवन को, तब भी जो जीवन है वो वापस से हील कर जाएगा। अब ऐसे में बट यार देखो, जो जीवन है उसकी जो एक डिसएडवांटेज होगी उस बैटल में, वो होगी उसकी पावर्स, उसका एनर्जी सोर्स, जो कि इस बैटल में धीरे धीरे करके उसकी जो एनर्जी है, उसका पावर सोर्स है, वो कम हो जाएगा, जिसके चलते इन बैटल जो गोकू है वो उसे नॉकडाउन कर सकता है। बट तब तक जो जीवन है वो गोकू को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है गोकू के बेसिक फॉर्म को। और वहीं अगर बात की जाए रोबोट की, तो रोबोट ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएगा गोकू के सामने में, क्योंकि अगर गोकू क्रिश फ्लाइंग जेट जीवन को बीट कर सकता है, तो रोबोट को बीट करने में गोकू ज़्यादा देर नहीं करेगा। ऐसे में यहाँ पर जो गोकू है वो मूवीज में दिखाए गए सभी इंडियन सुपर्स को तो बीट कर लेगा अपने बेसिक फॉर्म में, उसे अपने पावर्स का ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा सबको डिफीट करने के लिए। बट वहीं अगर बात की जाए गोकू वर्सेस शक्तिमान की, तो यार ये जो टॉपिक है ये एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई शक्तिमान वर्सेस गोकू पर भी एक वीडियो बनाओ, तो यार ज़रूर बनेगी इसके ऊपर भी एक वीडियो। बट वहीं अगर जो ये सभी इंडियन सुपरहीरोज हैं वो एक साथ टीम में अटैक करते हैं गोकू के ऊपर, तो ऐसे में यहाँ पर ये गोकू का सामना काफ़ी देर तक कर पाएंगे। बट यार फिर भी जो गोकू है वो इन सभी को एक साथ भी ओवरपावर कर जाएगा, इनको हरा देगा, नॉकडाउन कर देगा। तो ऐसे में हर हालात में इनसे गोकू ही जीतेगा। सो ऑब्वियसली यार गोकू विंस, बट शक्तिमान वर्सेस गोकू, इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इसके ऊपर अगर एक सेपरेट वीडियो बनाई है तो उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करना, या अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, और पैसे करना हो सकता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। बाय बाय।